वैसे भाई लोग IQ Z7 Pro पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे। वैसे ये डिवाइस स्मूथ पर एक्सट्रीम से लेकर HDR में अल्ट्रा और आगे अल्ट्रा HD औकात से बाहर। जी हाँ, इतने कुछ ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। तो मैंने डिवाइस के ग्राफिक्स को स्मूथ पर एक्सट्रीम करके कलरफुल 4x करके सेव किया। वैसे भाई लोग, मैं करने वाला हूँ 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर 3 गिवअवेज, जिस पर नंबर 1 iPhone 11 128GB, सेकेंड गिव अवे पोको X5 6 128GB। ध्यान रहे, सेकेंड गिव अवे ओनली मेंबर्स के लिए है। एंड थर्ड गिव अवे 5RP विनर, जिसके रूल्स आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भाई लोग, IQ Z7 Pro को लेकर मैं सीधे आ गया ज़ॉम्बीज़ों के इस खतरनाक इलाके पर। ये देखिए, मेरे साथ ही साथ एक बंदा आया था। वैसे भाई लोग, आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है। और यहाँ पर मेरा वेलकम बहुत खराब हुआ। शॉटगन, ये देखिए भगोड़ा बंदा, ये नॉक, यहाँ से आगे बंदा फिनिश। ये कोर बंदा आया, ये नॉक, बंदा फिनिश हो जा बेटे। ये देखिए, दो शॉटगन की गोली से नॉक नहीं हुआ, ये तीसरी गोली पर फिनिश। अब क्या ही बताऊं मैं, दुख दर्द और पीड़ा। ये रहा गोकू और इसकी बेटी गोकू, ये डायलॉग जमा नहीं लेकिन था बढ़िया। सो बंदी की बेटी बनाने के बाद मैं जाता हूं आगे। मेरे ख्याल से एक और बंदा यहाँ पर, गन को रिलोड करके, ये नॉक, बंदा फिनिश। और मुझे पीछे से साउंड आया, एक भाई नॉक। ये रहा इसके बाद, चेक कर, बिल्कुल कर लिया, ये नॉक। और ये ज़ॉम्बी मेरे को मार रहा था, बंदा फिनिश, मतलब वो चेक कर फिनिश। एक बंदा आया, ये नॉक, बंदा फिनिश। वैसे IQ Z7 Pro पर आपको MediaTek Dimensity 7200 का 5G चिपसेट मिलता है। मेरे आसपास एक और बंदा है, ये रहा स्प्रे बाज, ये डैमेज, यहाँ से आगे ये नॉक, और ये बंदा सीधे फिनिश। सो हमारे भाई के पास ऑक पड़ी हुई थी जो कि किसी काम की नहीं थी, लेकिन भाई साहब, लेकिन BGMI के इस नए वाले अपडेट पर इस गन को मेन ड्रॉप से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये गन बड़ी अच्छी हो गई। यहाँ से आगे गजब सीन, ग्लेशियर बाज, ये रहा, ये नॉक, बंदा फिनिश। सो इस बंदे को दूसरी बार यहीं पर दबोचा मैंने। सो डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 7 लाख ऊपर आता है। यहाँ से आगे मैं आ गया अपार्टमेंट्स, यहाँ पर बंदे हैं कम से कम 2-3, और एक गाड़ी भी आ गई। सो एक बंदा आया, ये नॉक, बंदा फिनिश। एक और बंदा आया, गजब सीन, इस पे बाजी कर रहा है बंदा, ये नॉक, बंदा फिनिश। हाल फिलहाल ध्यान दीजिएगा, मैं IQ Z7 Pro पर BGMI को खेलते हुए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सिस्टम का ही स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किया हूँ। ये रहा DBS बाज, दो भाई को नॉक कर दिया था इसने। फिलहाल बंदा फिनिश। सो बंदी की बेटी बनाने के बाद इस अपार्टमेंट पर यही बंदे वापसी पर उतरे, तो इन बंदों के ऊपर चिमनी चुमनी फेंकता हूँ यहाँ से। हाल फिलहाल एक बंदा नॉक मेरी चिमनी से, यहाँ पर एक बम फेंका, बम को फेंकने के बाद मैं चला ऊपर। फिलहाल नॉक वाला बंदा फिनिश, एक और बंदा बचे ऊपर, जी हाँ ये कैंपिंग कर रहा होगा, ये रहा इसके बाद, ये नॉक फिनिश। और जब हमारे भाई बंदे की पेटी बना रहे थे तो उनको कोई बंदा स्प्रे मार रहा था रिच से, ये नॉक, ये देखिए ये बंदा आड़ा तिरछा होके कवर के अंदर जा रहा था। दूसरा बंदा भी डैमेज, स्मोक बाजी कर रहे लोग। हाल फिलहाल रिच पर एक बंदे की पेटी बन चुकी है। यहां से आगे एक और बंदा नॉक, गजब सीन, एक और बंदा नॉक, ये नॉक वाला बंदा फिनिश। सो डिवाइस का फायर रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है,
और डिवाइस पर स्नाइपिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। सो डिवाइस का प्राइस रेंज इस टाइम पर आपको 21,500 रुपीज के आसपास मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज पर यह डिवाइस बहुत ज्यादा अच्छा डिवाइस है। जी हाँ, पोको F5 का सेल खत्म हो गया जिसके कारण ये डिवाइस अब 21,000 रुपीज पर सबसे बेस्ट डिवाइस है। सामने की ओर पर टावर पे एक बंदा नॉक, एक बंदा पीछे भी है। वैसे इस डिवाइस को आप BGMI के लिए या फिर कोई भी गेम खेलने के लिए इजीली ले सकते हो क्योंकि डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से आगे मैं आ चुका हूँ मेन जोन पर और इस घर पर एक कैंपर है। ये कैंपर फिनिश, कैंपर की पेटी बनाने के बाद यहाँ पर हमारे एक भाई नॉक थे। सामने की ओर पर बंदे हैं, ये एक नॉक और ये बंदा कवर पे चला गया। समझ में नहीं, कंट्रोल। जी हाँ, इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे भाई साहब, नॉक होने के बाद पेटी भी बनवा लेना चाहिए। यहीं कहीं पर एक और बंदा है और एक बंदा पीछे भी है और उसके साथ ही साथ एक स्पेशल दुख। जी हाँ, जोन यहाँ पर आ चुका है। जोन के अंदर जाना होगा ओपन से और मुझको जहरीला अजगर बनना होगा। एक भाई नॉक जोन से, यहाँ पर अजगर बनता हूँ। हाल फिलहाल यहाँ पर मैं भी अजगर हूँ और सामने वाले बंदे भी अजगर हैं, लेकिन भाई साहब मेरे पास जहर नहीं है। जी हाँ, मतलब मैं जहरीला अजगर नहीं हूँ, क्योंकि सच बताऊँ मेरे पास ये सांप बनने वाली स्किल्स है नहीं। तो मैं यहाँ पर बमबाजी कर रहा था ओपन पर लेट के। हाल फिलहाल पीछे की ओर पर एक अजगर ने हमारे एक भाई को नॉक फिनिश कर दिया। बड़ा जहरीला अजगर था। और यहाँ पर ये दूसरे अजगर ने पेटी बना दिया मेरी। तीसरे भाई बस बचे हुए हैं, ये भी अजगर का शिकार होंगे बिल्कुल। गजब सीर। सो IQ Z7 Pro की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन भाई साहब ये डिवाइस भी अजगरों से बचा नहीं सकता। सो ये कुछ कहानी थी IQ Z7 Pro पर BGMI की गेम प्ले की। वैसे हाँ, डिवाइस का जायरो एकदम बराबर काम करता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।